తెలంగాణలో బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలపై టీఆర్ఎస్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేయడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. అభివృద్ధి పనులు చేయకుండా ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్పై దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆయన ఆరోపించారు. బీజేపీ సభలు సమావేశాలను అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ పాలన రాష్ట్రానికి పెద్ద శత్రువు అన్నారు. केसीआर की टीआरएस की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा भी डाल रही है. जीएमसी इलेक्शंस में केवल 12 दिन देना चुनाव के लिए उनकी मानसिकता को दर्शाता है. हर राजनीतिक दल को राजनीतिक एक्टिविटी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बोलने की आजादी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अपने विचार के प्रचार का अधिकार हमें संविधान देता है. लेकिन दुर्भाग्य है कि केसीआर साहिब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, उनके बनाए हुए संविधान पर भी विश्वास नहीं रखते. वो कई सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि नया संविधान लिखना चाहिए, केसीआर का सीधा संविधान. जगह जगह पर लगातार पिछले एक साल में लोकतांत्रिक रूप से चल रहे जन आंदोलनों, जन कार्यक्रमों, जन संपर्क के कार्यक्रमों में उन्होंने हमेशा ही रुकावट डालने का प्रयास किया. यहां तक कि तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सांसद बंडी संजय कुमार जी को उनके संसदीय कार्यालय से पुलिस बल लगाकर लाठी चार्ज व अत्याचार करके गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट ने उस कृत्य को गलत माना. हमारे दूसरे सांसद अरविंद धर्मपुरी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवास के लिए जाते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं. अरविंद धर्मपुरी की गाड़ी को केसीआर साहिब के गुंडे तोड़ देते, उनके विकास कार्यों के रुकावट डाली जा रही. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्रों का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है. और पिछले दो दिन से जिस तरह केसीआर साहिब ने, टीआरएस ने प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने का प्रयास किया और प्रजा संग्राम यात्रा की शांति में चल रहे लोगों पर हमले किए, क्योंकि प्रजा संग्राम यात्रा जनता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने का और जनता का जो आक्रोश उस यात्रा में लोगों के माध्यम से लोगों के अंदर का आक्रोश सुनने को मिल रहा है और केसीआर साहिब की सत्ता उनके हाथ से निकलती दिख रही है.